वैकेंट माइंड या विचार शून्यता, ये सबसे ज़्यादा गलत समझी गई बातों में से एक है। तो लोग माइंड को वैकेंट करने में लगे रहते हैं थ्रू दैट माइंड। माइंड ही माइंड को वैकेंट करने में लगा रहते हैं क्योंकि और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास वही इंस्ट्रूमेंट ही है। तो अक्सर हताशा और निराशा हाथ में लगती है और उसी से कल्टिज्म और सारा आध्यात्मिक कार्य व्यापार चलता है, अंधविश्वास। फिर गुरु लोग समझाते हैं, देखो तुम कर नहीं पा रहे हो और तुम कर पाओगे नहीं कभी, ये असंभव है। फिर तुम थक हार कर पहुँचोगे, फिर वो तुमको कोई डिवाइस देंगे, फिर तुमको कोई टेक्निक देंगे, तुमको कई बार थोड़ी देर के लगेगा वैकेंट हुआ माइंड। अभी तुमको यहाँ पर बहुत फास्ट कोई एक्सरसाइज करा दी जाए, जैसे हम लोग मेडिटेशन में SRM लेते हैं, डायनेमिक हैं ये सब मेडिटेशंस, तो थोड़ी देर के लिए उस थकान के चलते विचार तितर बितर होंगे और तुमको लगेगा कि माइंड वैकेंट हुआ। लेकिन एक्चुअली वैकेंट माइंड क्या है? एक्चुअली वैकेंट माइंड में क्या कोई थॉट नहीं होता, या वो कोई और चीज़ होती है? विचार शून्यता में क्या विचार बिल्कुल गायब हो जाते हैं, या भी कोई अलग चीज़ होती है? पहली चीज़ ये देखनी हमको पड़ेगी कि बॉडी, माइंड और हमारी कॉन्शियसनेस, इन तीनों के अपने अपने गुणधर्म हैं और हमारा होना तीनों का एक कॉम्बिनेशन है और तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो बड़े इंटरवोवन हैं, वो एक दूसरे में गुथे हुए हैं, बुने हुए हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन का, सोचने का, समझने का या किसी भी चीज़ को एनालाइज एग्जीक्यूट करने का जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो माइंड ही है। तो माइंड के साथ हम लड़ाई या संघर्ष नहीं कर सकते, और वो जिसको हम खाली कहें वो उस अर्थ में कभी खाली नहीं होगा जैसा कि हम एक बर्तन या किसी ऐसी चीज़ का एग्जाम्पल समझते हैं कि किसी दिन बिल्कुल सब खाली हो जाएगा, कुछ उसमें भरा है उसको निकाल कर बाहर फेंक देंगे। माइंड दो अर्थों में वैकेंट होता है, यानी कि उसके दो ही डोर हैं। हम जब कहते हैं चेतना, मन और शरीर, तो मन बीच में है, माइंड यानी थॉट का इंस्ट्रूमेंट बीच में काम कर रहा है। अगर कोई अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से बहुत जुड़ जाए, शरीर की चेतना यानी हम किसी वक्त में बिल्कुल बॉडी ओरिएंटेड हो जाएं, शरीर को महसूस करें शरीर के साथ, तो उतनी देर के लिए विचार रेस्ट में चले जाएंगे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस समय उनका कोई काम नहीं है। या हम अपनी चेतना में बिल्कुल मर्ज्ड हो जाएं, थोड़ी देर के लिए सोर्स में मर्ज्ड हो जाएं, तो उस समय विचारों का कोई काम नहीं है, वो रेस्ट में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे, हम कुछ कहना चाहेंगे, हम कुछ करना चाहेंगे, वो बीच का ब्रिज एक्टिव होगा और विचार लौट आएंगे। वैकेंट माइंड इसी अवस्था का, मैं समझता हूँ, एक कहने का ढंग है। जब कोई ये जान लेता है, टोटली एब्सोल्युटली कोई ये जान लेता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका हम बस उपयोग करते हैं और विचार बस फ्लो करते हैं, उन विचारों में हमारा अपना जैसा कुछ नहीं होता। वैकेंट माइंड तब तक नहीं होता जब तक कोई विचारों को अपना मानकर चलता है। अब देखिए, हम अपने शरीर को भी अपना मान लेते हैं, कहने के लिए अपना है, अगर किसी से कहें अपना नहीं है तो कहेगा फिर किसका है, क्योंकि कोई दूसरा तो इसको क्लेम करने नहीं आ रहा। लेकिन हमको इसको सेंसिटिवली समझना है, क्लेम करने से कोई बात बनती बिगड़ती नहीं है। शरीर तो पूरे यूनिवर्स का एक कॉम्बिनेशन है, बॉडी भी उसकी एक एक सेल पूरे यूनिवर्सल फोर्सेस का, सारे पांच जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन। इसको हमने तो नहीं किया क्रिएट, तो ये क्रिएटेड फॉर्म है, तो ये एज सच मेरा नहीं है। हम क्लेम करें कि माई बॉडी, लेकिन ये हमारा शरीर नहीं है। और हम बीमार पड़े तो हमारा शरीर ही काट पीट के डॉक्टर पता नहीं कहाँ पहुँचा देता है, तब भी हम क्लेम नहीं कर पाते हैं कि ये क्यों निकाल लिया, ये क्यों काट लिया तुमने, तो उस समय हम डिटैच रहते हैं। और जो काट लेता है उस पर कभी कोई क्लेम नहीं करते, गॉल ब्लैडर निकाल लिया तो उस पर क्लेम नहीं करते,
कुछ भी निकल जाए, क्लेम करते हैं कभी कि हमारी चीज हमको दे दो, हम कहते हैं ठीक है, हम उसे अटैच ही नहीं हो पाते। जो अपनी अपने पास है उसको लगता है मेरा सिर्फ, लेकिन टेक्निकली कोई भी एक सेल हमारी नहीं है। अगेन अगर हम चेतना में लौटेंगे, कॉन्शियसनेस में, तो वो भी हमारी नहीं है, वो तो एक पूरा टोटेलिटी है। अब जब दो चीजें हमारी नहीं है, ना बॉडी ना कॉन्शियसनेस, तो बीच का माइंड भी हमारा नहीं है, वो भी एक यूटिलिटी आइटम है जो बहुत कलेक्टिवली फॉर्म हुआ है, और इसीलिए उसमें डिफरेंट डिफरेंट ढंग से थॉट्स फ्लो करते हैं और अपना काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने वर्क्स को। इसी के चलते हुए दुनिया में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, अनइनलाइटेंड या इनलाइटेंड, व्हाटएवर हूएवर, जो ये बता सके कि उसका नेक्स्ट थॉट क्या है। कोई भी इस बात में सक्षम नहीं है जो ये बताने में सक्षम हो कि मेरा नेक्स्ट थॉट क्या होगा, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि वो तो फ्लो करेगा, इट विल सिंपली फ्लो फ्रॉम नोवेयर, या कहें फ्रॉम द टोटेलिटी, और जब आएगा तो वो अपना काम करेगा जो उसको करना है या नहीं करना है। तो वैकेंट माइंड इस इन तीनों चीजों को वॉच करना और एक्सेप्ट कर लेना हमको वैकेंट माइंड में ले जाता है, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सोर्स से कनेक्टेड होने की बात है, हम उस समय सोर्स में ही कनेक्टेड होते हैं। तो बस ये ही डोर स्टेप्स हैं ध्यान के डिवाइस की तरह से, जैसे हमने अक्सर चर्चा करी, जो मेडिटेशन की सोल की हमने बात करी कि कोई भी एक्सरसाइज एक्टिविटी मेडिटेशन नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी अलाइवनेस से कनेक्ट हो जाना, जो सिंपल सा मेडिटेशन जो हमने दिया हुआ है, मैं समझता हूँ सिंपलेस्ट मेडिटेशन है, बस उससे कनेक्ट होते ही आप सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए पोर्टल या दूसरा डोर या दूसरा द्वार है हमारा साइलेंस, उसको हम ध्यान का एक अलग आयाम कहें, हम अपने साइलेंस में गए, अपने ध्यान में गए, तो हम अपने चेतना में, अपने सोर्स में, या तो हम बॉडी से पूरी तरह कनेक्ट हो जाएं या अपने कॉन्शियसनेस से पूरी तरह कनेक्ट हो जाएं, और माइंड डिसअपीयर हो जाएगा। डिसअपीयर का मतलब ये नहीं कि वो गायब हो जाएगा, वो कॉम्बिनेशन है, जैसे ही एक्सप्रेशन की नीड आएगी वो अपीयर हो जाएगा, वही वैकेंट माइंड है। और जो इसको जान रहा है वो ऑल द टाइम सोर्स से कनेक्टेड तो है ही है।